नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना और आवर्धन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जरूरत क्या है कि उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, हम क्यों जाने। हमें जानना चाहिए। अक्सर जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो बहुत सी ऐसी गैलरी में हम चले जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में भी मैं खुद गया हूं, उसमें बच्चे जब जाते हैं तो एक मिरर गैलरी होती है कि उसमें मिरर को देखकर बच्चे बहुत आनंद महसूस करते हैं। जब उन डिफरेंट मिरर्स में अपना चेहरा हम देखते हैं तो कभी हमारा चेहरा बड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, तो हमारा पेट अजीब हो जाता है, और ऐसा आपके सभी ने देखा होगा लगभग। तो हमें जरूरत होती है कि हमें पता तो होना चाहिए वो क्यों रहा है, ये कौन सा दर्पण ये प्रतिबिंब बना रहा है, उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। और दर्पण का प्रतिबिंब बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम छूकर भी दर्पण की पहचान कर सकते हैं। कैसे? जैसे यह एक समतल दर्पण है और अगर मैं इस समतल दर्पण पर एक स्केल रख दूं तो क्या होगा, यह समतल दर्पण स्केल को सभी जगह टच कर रहा है। मैंने स्पून का एग्जांपल लिया था पहले, ये स्पून को यह पोर्शन उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और यह पोर्शन जो पटका हुआ है अंदर की ओर पतलू के पेट की तरफ, ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं उत्तल दर्पण पर यह स्केल रख दूं तो आप देखेंगे स्केल के किनारे उठे हुए होंगे और केवल बीच में स्केल उस दर्पण को टच करेगा। और अगर ये अवतल दर्पण है और उस पर अगर मैं स्केल रखता हूं तब स्केल केवल किनारों पर टच करेगा, बीच में एक दूसरे टच नहीं करेगा। इस प्रकार हम छूकर पता लगा सकते हैं कि जो दर्पण है वो कैसा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक समतल दर्पण है, रॉड हमने इस पर टच किया, स्केल या रॉड, तो वो स्केल सभी पार्ट्स को टच करता है। उत्तल दर्पण के को मैंने स्केल के कांटेक्ट में रखा तो देखा केवल ये स्केल बीच में टच करता है और किनारों पर ये टच नहीं कर रहा है। अगर मैं अवतल दर्पण के करीब कोई स्केल रखता हूं तब ये स्केल केवल किनारों को टच कर रहा है और बीच में टच नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम आसानी से चेक कर सकते हैं। हम एक छड़ लेते हैं और उसको दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि छड़ दर्पण को सभी जगह पर स्पर्श करती है तब माना जाता है कि दर्पण समतल है। यदि छड़ दर्पण के बीच वाले भाग को स्पर्श करती है और किनारों पर उठी रहती है तब दर्पण उत्तल है, तथा यदि छड़ बीच में से उठी रहे और किनारों पर स्पर्श करे तब हम मानते हैं कि दर्पण अवतल है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हम दो स्थितियों में बना सकते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रखी हो। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वस्तु असंख्य बिंदु वस्तुओं से मिलकर बनी होती है और वो बिंदु वस्तु उन बिंदु वस्तुओं से प्रकाश किरणें चलती हैं। उन प्रकाश किरणों के आपस में मिलने से कभी वो वास्तविक रूप में मिलती हैं, कभी आभासी रूप में मिलती हैं, प्रतिबिंब बनता है। हम कौन सी दो प्रकाश किरणें ले सकते हैं? जब हम दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर या तो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस की ओर जाती हैं। हम ये प्रकाश किरण ले सकते हैं। हम दूसरी प्रकाश किरण ले सकते हैं
कि यदि कोई बिंदु वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है या कोई ऐसी प्रकाश किरण है जो फोकस की ओर आ रही है या फोकस से जा रही है, जब ऐसी प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, तब वो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तीसरी प्रकाश किरण हम ले सकते हैं कि जब हम दर्पण पर कोई ऐसी प्रकाश किरण आपतित करते हैं, कैसी, कि जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरे या वक्रता केंद्र की ओर जाए, तब ऐसी प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है, परावर्तित होती है और जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है, क्योंकि ऐसी प्रकाश किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है। ऐसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। एक चौथी प्रकाश किरण हम ले सकते हैं कि जब हम दर्पण पर कोई ऐसी प्रकाश किरण आपतित करते हैं कि जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तब वह प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है वह प्रकाश किरण उतने ही कोण पर परावर्तित भी होती है। इन चार प्रकाश किरणों में से हम कोई सी दो प्रकाश किरण कम से कम लेते हैं और उसे मिलकर हम प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे यह एक उत्तल दर्पण है MN, इस उत्तल दर्पण पर अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं। वो दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं, दर्पण उन प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है, दोनों प्रकाश किरणों को अपने व्यवहार के अनुरूप उत्तल दर्पण फैला देता है। इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं तब ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु F, एक दर्पण का निश्चित बिंदु है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों प्रकाश किरणें उससे होकर आ रही हैं, और माना जाता है कि बिंदु F पर उस बिंदु वस्तु का जो अनंत पर स्थित है प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति की मैं चर्चा करता हूं। ये एक उत्तल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव P है, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर ही कोई वस्तु AB रखी है। इस वस्तु AB का मुझे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश किरण बिंदु A से चलती है, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण उस प्रकाश किरण को फैला देता है, परावर्तित कर देता है। इस प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तब वह प्रकाश किरण एक निश्चित बिंदु फोकस बिंदु F से होती भी आती भी प्रतीत होती है, किंतु एक प्रकाश किरण से प्रतिबिंब नहीं बनने वाला, हमें दूसरे प्रकाश किरण की आवश्यकता होती। बिंदु A से एक प्रकाश किरण चलती है, N पर आपतित होती है और यह प्रकाश किरण इस प्रकार की है जैसे वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो। और मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है या वक्रता केंद्र की ओर होकर जाती है, तब वह प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है। ऐसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है और यह प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से टकराकर वापस हो जाती है। ये दोनों प्रकाश परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिलती हैं, किंतु इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं तब ये प्रकाश किरणें बिंदु A डैश पर मिलती भी प्रतीत होती हैं। और माना जाता है कि बिंदु A डैश A का आभासी प्रतिबिंब है। A डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालता हूं और A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है। इस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा, आभासी, छोटा, वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण अधिकांशतया उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो भी जब जब वस्तु
दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। इसी कारण अवतल दर्पण के इस गुण का उपयोग हम शेविंग करते समय करते हैं। जब हम शेविंग करते हैं सुबह या शाम जब भी हमारा मन करता है, तब हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। तब अवतल दर्पण में हमें हमारा आभासी सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है और हम अपनी शेविंग इजीली कर पाते हैं। इन दर्पण के प्रतिबिंब को देखकर भी आप दर्पण की पहचान कर सकते हैं। अब आप जब आर्ट गैलरी में इस तरह की जाएं तो आप अपने आप को भी बता पाएंगे और अन्य लोगों को भी बताएं, जब चेहरा सीधा दिखता है तो दर्पण कौन सा है, जब चेहरा उल्टा दिखता है तब दर्पण कौन सा है, आप इजीली बता सकते हैं, आप खुद को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर मुझे लगती है हमेशा। यह एक साइड मिरर है किसी वकील का, और इस साइड मिरर की ब्यूटी देखिए आप कि इस छोटे से साइड मिरर में इसकी वक्रता के कारण यह खूबी है कि इसमें दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। साइड मिरर घर का सिंपल मिरर भी तो हो सकता है, आप लगा लीजिए अपनी कार में या बाइक में, आपको पता लगेगा इन दोनों का डिफरेंस कि जरा सा आकार चेंज करने से कितनी खूबसूरती, कितनी वर्किंग इस दर्पण की बढ़ जाती है। इस मिरर का ये देखिए आप, इस छोटे से मिरर में 1, 2, 3, 4, 5 पेड़ पूरे पूरे दिख रहे हैं, पूरी रोड दिख रही है, स्कूटी दिख रही है, पूरा घास वगैरह पूरा अच्छे से दिख रहा है। और आप देखते हैं जब हम कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं अपने साइड मिरर में देखते हैं, पीछे की दुनिया दिखती रहती है हमें, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। और ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण लगा लेंगे तब क्या होगा, उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे, एक्सीडेंट का कितना हो जाएगा, पता चला हमारे पीछे जो ट्रक आ रहा है वो उल्टा आ रहा है, टायर ऊपर हो गए, बॉडी नीचे हो गई। सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने वाला होता है। इसका उपयोग बाजार में लगे लैंपों में किया जाता है। यह प्रकाश को परावर्तित कर चारों ओर रोशनी करने में मदद करता है। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सी जगह ऐसी दर्पण का यूज करना होता है जहां रोशनी को फैलाने की आवश्यकता है, और बहुत सी जगह जहां रोशनी को सिकोड़ने की आवश्यकता है। जैसे अगर बाहर सेड लैंप लगे हैं कहीं पर, हम चाहते हैं कि उस लैंप की रोशनी ज्यादा हो जाए, तो हम कौन से फैलाने वाली बात करेंगे ना, हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। और अगर हम घर पर अपने पढ़ रहे हैं या टेबल पर, हम चाहते हैं कि एक ही रूम है उसमें हमारे मम्मी पापा सो भी जाएं और छोटा बच्चा पढ़ भी ले, तो छोटे बच्चा क्या करेगा, टेबल लैंप का यूज करेगा, उसमें क्या हम उत्तल दर्पण लगाएंगे कि प्रकाश फैला दे, हम अवतल दर्पण वहां लगाएंगे। ट्रक बस मोटर कार आदि में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के अधिक क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सकता है। ड्राइवर को अपने पीछे आने वाले वाहनों का सीधा व छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग कराने का एग्जाम्पल मैं दे चुका कि हम अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तब वह हमारे चेहरे का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हेडलाइट में, ट्रेन में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, दर्पण को इस तरह फोकस करते हैं कि जो लैंप है वो उसके फोकस पर रख दें हम, क्योंकि अभी आपने देखा जब दर्पण को फोकस पर, जब जब वस्तु दर्पण के फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी और लाइट दूर तक जाएगी। आपने देखा भी होगा कि जब हम ट्रेन का वेट करते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो झुक झुक कर बार बार देखते हैं, ट्रेन आ तो नहीं रही, रात में आ तो नहीं रही, लाइट दूर से दिखनी शुरू हो जाती है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। डेंटिस्ट जब हमारे दांत पे अंदर कोई अंदर बैठ के चेयर डाल के, तो हमारे दांतों की सफाई वो करने के नहीं, या वो फिलिंग नहीं करने के, होगा क्या कि लाइट की जरूरत होगी उन्हें देखने के लिए, कंसंट्रेट छोटी जगह में डालेंगे, अवतल दर्पण का यूज करते हैं जिससे एक छोटी सी जगह पर लाइट चली जाए। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरबीन का उपयोग दाढ़ी बनाते समय हम करते हैं। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण की सहायता से हमारी आंख नाक कान में डालते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेड में भी हम करते हैं। बल्ब से चली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अभिसारी या सिकुड़ जाती हैं और मेज के थोड़े से क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाती हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, रेल इंजन, सर्च लाइट के लैंप में परिवर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, जिससे प्रकाश परावर्तन के पश्चात समांतर किरणों के रूप में आगे निकलता है।
गोलिया दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। जब हम अंकित करेंगे तो हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होगी। चिन्ह परिपाटी जिस प्रकार जब हम मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में एक ओ बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु हम कहते हैं। और इस प्रकार दर्पण में ध्रुव को हम मूल बिंदु की जगह लेंगे। दर्पण में हमेशा प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित होती हैं। हमेशा वस्तु को हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। वस्तु हो या प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष पर बनते हैं। दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। एक न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूं। एक आया कि एक वस्तु दर्पण से 5 सेमी दूर रखी है। अभी मैंने दो बातें बताई। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। दूसरी मैंने बताई बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। एक वस्तु दर्पण के 5 सेमी दूर रखी है। दोनों बातें एक साथ समझ जाइए। वस्तु कहां रखी जाएगी? बाईं ओर। बाईं ओर की दूरी निगेटिव तो वो 5 सेमी नहीं होगी, वो होगा -5 सेमी। और अगर प्रतिबिंब भी बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी माइनस में लेंगे और दाईं ओर बनेगा तो हम प्लस में लेंगे। ये एक पूरी परिपाटी का चिन्ह। ये दर्पण, ये दर्पण उत्तल भी हो सकता है अवतल भी। ये आपको जरूर शो हो रहा है कि अवतल दर्पण है, इसकी जगह आप उत्तल दर्पण भी रख सकते हैं। ये ध्रुव, और ये आज ध्रुव नहीं है, जब हम वर्टिकल कोर्स की तरफ जाएंगे तब ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी निगेटिव, बाईं ओर की दूरी निगेटिव। जैसे ये वस्तु बाईं ओर रखी है तब ये दूरी जो होगी उसका आंकिक मान बात अलग है, पर हम चिन्ह लेंगे तो माइनस लेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी और प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही दर्पण पर आपतित होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव होंगी और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हमेशा निगेटिव होंगी। अगर वस्तु सीधी है या प्रतिबिंब सीधा है ऊपर की ओर है तब उसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी आप कहें वो धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और अगर वस्तु या प्रतिबिंब उल्टा है तब उसकी लंबाई या ऊंचाई हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु में प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। इन नियमों के अनुसार ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बाईं ओर होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दाईं ओर होता है और दाईं ओर की दूरी हम धनात्मक लेंगे। आवर्धन, एक दर्पण है, दर्पण ने प्रतिबिंब बनाया। आपने भी अपना प्रतिबिंब देखा कहीं बाहर दर्पण में और आपकी जो लंबाई थी वो आपको दुगनी दिखाई दे रही है दर्पण में, तो दर्पण ने आपका आवर्धन कर दिया। और दर्पण द्वारा हुआ आवर्धन कितना है? दुगनी लंबाई कर दी। आपकी लंबाई अगर 1 मीटर है किसी बच्चे की, उसकी लंबाई क्या हो गई? 2 मीटर हो गई, तो आवर्धन कितना हो गया? 2+2, आवर्धन +2 हो गया। सीधा प्रतिबिंब बनाया दर्पण ने, दुगना प्रतिबिंब बनाया तो आवर्धन कितना हो गया? +2। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण द्वारा हुआ रेखावर्धन कहते हैं, जबकि दोनों ऊंचाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हूं। दर्पण की ऊंचाई और दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो दर्पण ने बनाया और आपकी ऊंचाई, दोनों प्लेन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टूल पर खड़े हैं और प्रतिबिंब बन रहा नीचे से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक फिगर, ये एक अवतल दर्पण, पटका हुआ दर्पण जैसे पतलू का पेट, एक वस्तु रखी है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और वस्तु दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं। चूंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो यू का मान ऋणात्मक होगा। ये प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और उसे स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं।
फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से व्यक्त करते हैं, क्योंकि फोकस बाईं ओर है तब यह फोकस दूरी भी ऋणात्मक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दाईं ओर और उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल वी, ये स्मॉल वी है, कैपिटल वी नहीं है, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल वी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल यू कहते हैं और इन दोनों के अनुपात को यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी लेंस द्वारा हुआ आवर्धन कहते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। एफ दर्पण की फोकस दूरी, आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उत्तल दर्पण का है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एफ इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर, मैंने फॉर्मूले का यूज किया, आर इज इक्वल टू 2f, एफ की वैल्यू पुट की और वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर आ गई। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में एक संबंध होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और इस फॉर्मूले को दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक अन्य क्वेश्चन लेता हूं। एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का एक तिहाई होता है। ये जो एक तिहाई है ये दर्पण द्वारा हुआ आवर्धन है स्मॉल m, स्मॉल m इज इक्वल टू 1/3। 40 सेमी वस्तु की दूरी है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर की दूरी हमेशा निगेटिव होती है और u बराबर -40 सेमी। मुझे फोकस दूरी ज्ञात करनी है, U और M की वैल्यू दे रखी है, तब मैं पहले M का फॉर्मूला लगाऊंगा, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, U की वैल्यू M की वैल्यू मैंने पुट की और V की वैल्यू प्लस 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं दर्पण सूत्र लगाता हूं, 1 अपॉन स्मॉल V प्लस 1 अपॉन स्मॉल U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, U और V के वैल्यू पुट करता हूं और वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पर मेरी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ जाती है। एक क्वेश्चन लेता हूं, एक और। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, अवतल दर्पण मैंने बताया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती हैं। ये वक्रता त्रिज्या r = -60 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाया f = r/2 और मैंने फोकस दूरी कैलकुलेट कर दी। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। 4 सेमी लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, दर्पण से 45 सेमी दूर रखी है, वस्तु 45 सेमी दूर रखी है, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं, u इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति मीन्स अभिसारित होकर बना या अपसारी। v कैलकुलेट करते हैं, मैंने u और v के मान दर्पण सूत्र में लगाता हूं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज पुट करते हैं f की और u की, एक तरफ राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 90 मैंने इनका एलसीएम लिया और हल करने के बाद v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर मेरा आ गया। मुझे आवर्धन कैलकुलेट करना था, आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, v और u की वैल्यू पुट करता हूं, m इज इक्वल टू -2, मींस दर्पण जो प्रतिबिंब बना रहा है वह प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की दुगनी है और प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा है। m is equal to h gas upon h, m इसकी वैल्यू मैंने पुट की, h gas upon 4, h gas is equal to -8 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा उल्टा वास्तविक बन रहा है। एक मिरेकल हम और लेते हैं। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु,
वस्तु तेज सेमी दूर है, वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाती है, बाई ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, मैंने यू बराबर माइनस 30 सेमी। प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है यानी प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर ही बन रहा है अर्थात बाई ओर, और वस्तु के ऊपर बन रहा है मतलब उतनी ही दूरी पर, वी इज इक्वल टू माइनस 30 सेमी। आवर्धन का फॉर्मूला लगाया, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वैल्यू स्पोर्ट की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, एम इज इक्वल टू माइनस 1। और जब वस्तु के ऊपर बन रहा है उतने ही साइज का, उतने ही दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर उतने ही बड़ा बनेगा, उल्टा बन ही रहा है, आवर्धन माइनस 1 आना स्वाभाविक है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आर पॉजिटिव होगा 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, देखिए बस 5 मीटर दूर है, वस्तु हो गई वो बस, वस्तु बाई ओर रखी जाती है, u इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, मैंने v कैलकुलेट करना है। वक्रता त्रिज्या से मैंने पहले फोकस दूरी कैलकुलेट कर ली, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू r अपॉन 2, r की मैंने वैल्यू पुट की 1.50 मीटर आ गया। अब मैंने दर्पण का सूत्र लगाया, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इधर जाकर माइनस 1 अपॉन u, मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी f और u की वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, एलसीएम लिया और सॉल्व करके मेरा v की वैल्यू 1.15 मीटर आ गया। आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, v और u की वैल्यू पुट की, m इज इक्वल टू 0.23, प्रतिबिंब आभासी सीधा, साइज में छोटा बना क्योंकि m की वैल्यू 0.23 आया, एक से कम। इस प्रकार आज मैंने आपको मेटल के दर्पण का उपयोग करना बताया, आपका बहुत बहुत